हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। आज मौसम ऐसा ही हो रहा है, कुछ ठंडा ठंडा और बारिश का भी राजस्थान में माहौल उठा रही है, तो उस हिसाब से मैं आप लोगों को पीछे का जो व्यू आ रहा है ना बारिश का मौसम का, वो दिखा रही हूँ। बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, तो आज कुछ स्पेशल बना के खा लेंगे, देखते हैं क्या स्पेशल बनाते हैं आज। मौसम देखो कैसे हो रहा है, बारिश आ रही है, हल्की हल्की बूंदाबांदी, इससे पता लगेगा। देखो फाइबर की से बूंदाबांदी गिर रही है। बारिश आ रही है, ऐसे मौसम में तो कुछ बनाकर खाया जाए। बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, बारिश हो रही है, तो फसलों के लिए ये बारिश अमृत का काम करेगी इस टाइम पे। पहले हेलो करो सबसे, इधर इधर ऐसे करो, हेलो ऐसे करो, हेलो देखो बोलो ना, ऐसी गंदी बात होती है। हेलो करो ऐसे, हेलो हाथ ऊपर करो। ये परू का हेलो तो छोटा सा, हाय हेलो। ये डाल रही हूँ मैं अजवाइन मैदा में, और ये नमक थोड़ा सा, बस इसमें डाल रही हूँ मैं अब घी, अच्छा खस्तादार और क्रंची क्रंची बनाने के लिए। इसको अच्छे से मिला लेती हूँ मैं इसमें, मैदा को आटे में घी में, इसमें मैंने घी का मोरण दिया था, तो इसको पूरी अच्छे से मिला लिया है मैंने। अब थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूंगी, पानी से गूंथूंगी इसको हल्का हल्का ऐसे। आटे को मैंने गूंद लिया है अच्छे से, और अब इसको थोड़ी देर ऐसे छोड़ देती हूँ, फिर जब तक मसाला तैयार कर लेती हूँ, फिर वापस इसको मिक्स करूँगी एकदम नरम तरीके से। आलू को उबाल दिए हैं और इनको अब मैं मैश करूँगी थोड़ा थोड़ा, आज से ही, ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का ही करूँगी। खा रहे हो आप? कौन सी चीज? बाइट मार के खाओ ना, तो ऐसे कैसे खा रहे हो आप? बाइट मार के खाओ, नहीं खानी क्या? ओ ओ उसमें से डाल दिया, नहीं खा रही चीजी? नहीं, नहीं, नहीं। तो क्या खाओगे फिर? हाँ क्या खाओगे फिर? हाँ ये भी मसाला खाओगे क्या? तीखा नहीं लगेगा मसाला फिर? आप लगेगा फिर भी खाओगे? हाँ। फिर पानी नहीं पियोगे तो? हाँ। हाँ, हाँ, क्या होता है? फिर चपड़ी लगाएगी तो पानी नहीं पियोगे, फिर आपको चपड़ी नहीं लगेगी क्या? नहीं, नहीं लगेगी? नहीं। लगती है? नहीं। मेरे को तो लगती है, नहीं। लगती है। वो चीज अच्छी है, खा लो, अमरूद अच्छा होता है बेटा, खा लो खा लो खा लो रे, खा लो। मैदा का जो आटा लगाया था ना मैंने, उसका ये छोटे छोटे लोई बना लिए इस तरीके से मैंने, काफी सारी बन गए। अंडे के आकार में मैंने इसको बेल लिया है, अब इसमें से मैं दो हिस्से करूंगी। इसके किनारों पर मैं थोड़ा सा पानी लगा लेती हूँ, जिससे ये चिपक जाएंगे अच्छे से। दोनों इनके जो किनारे हैं उनको जो अच्छे से मिला लो, कुप्पी के आकार की। देखो
अच्छे से प्रेस कर दो जिससे ये बाद में निकल ना सके, आपका मसाला हो गया। इसे मैं मसाला डालती हूँ। थोड़ा थोड़ा करके मसाला डालना है, थोड़ा थोड़ा करके, ज्यादा भी जोर से भी नहीं दबाना और ज्यादा भी मसाला नहीं भरना कि इसमें बाद में निकल ना जाए कहीं। थोड़ा थोड़ा बस अब इतना ही होता है। इसको दबा दो। इसका ये जो दबाया था ना, ये दोनों साइड से इधर भी तो पानी लगा रखा है, इसको अच्छे से खींच के अच्छे से प्रेस कर लेंगे, दोनों कोनों को इसे चिपकाएंगे इधर से। ये समोसा बनके तैयार। ये सारे समोसे मैंने इस तरीके से तैयार कर लिए हैं। ऑयल हो चुका है यहाँ पे हल्का हल्का, धीमी आंच पे गरम, बिल्कुल लो फ्लेम पे। और अब ये डाल रही हूँ समोसे। लाइट आ नहीं रही और मोबाइल की टॉर्च जला के वीडियो शूट कर रही हूँ। अब ये सिकने में आ गए धीरे धीरे, टाइम तो लग रहा खैर इसमें, पर लो फ्लेम पे है ये बिल्कुल। और देखो अच्छे से सिकने धीरे धीरे एकदम, इसे अंदर से भी पूरी तरीके से कच्चा नहीं रहेगा और सिक जाएगा। ये मेरे समोसे बनकर कंप्लीट तैयार हो चुके हैं। अब इसको निकालिए, देखो इसको, देखो तोड़ खोल के देख रहे हैं, तोड़ के इसे अंदर से कैसी देसी है, बढ़िया ना एकदम टाइट क्रंची और खस्ता खस्ता एकदम बढ़िया। खाओ गरम गरम सबके साथ। ये हरी चटनी इन्होंने बनाई है। Hi guys. बहुत टेस्टी चटनी है, ये भी घर पे बनाई हुई है, ये खा रहे हैं हम अब। हेलो गाइस, आज बहुत ठंडा मौसम था तो हमने सोचा कुछ ना कुछ बनाया जाए, तो हमने देखो समोसे बनाए हैं और चटनी बनाई है, और अब समोसा चटनी का आनंद लिया जा रहा है। आप भी कुछ ना कुछ बनाए होंगे अपने घर पे आज। मौसम अच्छा था तो मौसम का लुक तो अच्छे से उठा लिया हमने। आज क्या है, मौसम सुबह से ही बहुत हो रहा है बारिश, और सर्दी की बारिश में तो कुछ ना कुछ, अगर सर्दी में बारिश हो तो उसमें कुछ ना कुछ खाने का तो मन करता ही करता है। बहुत टेस्टी है, और आज ना मैंने पहली बार बनाया तो उसके हिसाब से बहुत अच्छे बने। और चटनी देखा, मैं दिनों दिन कुछ ना कुछ सीख रही हूँ। चटनी भी मस्त बनी है, मैंने पहली बार बनाई है ऐसे ही, लेकिन बनी जबरदस्त चटनी, गजबा बहुत अच्छा बना। एंजॉय कर रहे हैं हम इसको, खा रहे हैं। सब जिन्होंने भी खाया ना वो सब ऐसे कह रहे हैं कि लग ही नहीं रहा कि पहली बार बनाई किसी ने। और ये हमारा पहली बार है, सच में है, झूठ नहीं बोल रहा, पहली बार बनी है ये समोसा, हमने पहली बार बनाई है, लेकिन पहली बार में बड़ा अच्छा स्वाद आ रहा है। ऐसे तो मैं समोसा भाई कई बार सब खा चुका, DMB का खा चुका, बड़े बड़े उसका जोधपुरी का खा चुका, लेकिन समोसे भी वास्तव में वैसे के वैसे स्वाद आ रहा है इसमें। समोसे बहुत अच्छे हैं, झूठी बढ़ाई नहीं है समोसे, रियल में फर्स्ट टाइम आज कोई चीज़ बनाए तो अगर वो चीज़ बैट बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी, ये आप खुद ही सोचो। सही है। और आज पता है मेरे समोसे कहाँ तक गए हैं। हाँ, आयुष ने अपने भाइयों के पास भी पोसा दिए दो साहब, बोलो।
पार्सल कर दिया यहाँ से। मुझे सबसे ज्यादा खुशी है ना कि मैंने उनसे उनका वीडियो खोलाया था भाई राजेश का, तो उस टाइम पे मैं जब बनाई गई थी इनको, तो मैंने बोला भाई आ जाए यहाँ पे, फिर उसने मना कर दिया कि नहीं अब तो खाओ तुम ही, और कभी बाद में देखेंगे जब बना लेना ये अपने घर पे आके ऐसा कुछ। तो फिर वो तो आया नहीं, फिर मैंने इनसे बोला कि यार अपन ऐसे करते हैं चक पे से जाके आप कुछ साधन में बोल देना उनको, वो पहुंचा देंगे यहाँ से रख के भेज देंगे अपन, और फिर वो दे देंगे तो वो वहाँ पे आ जाएगा गांधी तिराहट लेने। पहले तक एक दो साधन वालों ने तो मना कर दिया कि पता नहीं कहाँ कहाँ जाने के लिए बोल दिया, तो उन्होंने मना कर दिया, फिर आखिरकार एक बस वाला मिल गया, धन्यवाद उसका दिल से जो उन्होंने। अगर वो भी हमारा वीडियो देख रहा हो तो देख रहा हो तो मैं तो सच में खुश हो रही हूँ बहुत ज्यादा कि धन्यवाद बोल रही हूँ उसको दिल से कि मेरे भाइयों तक फर्स्ट टाइम। हालांकि उसने पैसे लिए लेकिन कोई बात नहीं, कोई नहीं वो तो लेते ही चीज तो पैसा, चीज तो पैसा दी ना। फिर भी उन्होंने पहुंचा था दी मेरे जो बनाई जो चीज को, आराम से अब बहन भाई एंजॉय करेंगे इनको एंजॉय। इसीलिए आज मैं खुश हूँ इस चीज को लेके कि मेरे भाई तक ये चीज पहुंच गई। और एक चीज तो लेकिन हम तो यहाँ पे अपने खुद के घर लाए खुद की चीज बनाए और अच्छी बने मस्त। जनवरी के चारों संडे को है ना जो कुछ न कुछ स्पेशल बना है, और आप लोगों के साथ ही मैंने उसको शेयर किया है, तो ऐसे सर्दी का मौसम है तो, और थैंक यू इसके लिए आप लोगों का साथ ऐसे ही हमारे साथ बना रहे। और आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।